हेलो नमस्कार, मैं सक्षम एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरुकुल ई स्कूल के साप्ताहिक न्यूज़ डायरी लेकर, जिसमें हम सबसे पहले आज की खबरें, फिर पिछले सप्ताह की विश्व व भारत की मुख्य खबरें तथा अगले सप्ताह के दिनों के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था? अगर नहीं तो इन्हीं प्रश्नों व अन्य के उत्तर व जानकारी के लिए सुनिए। सबसे पहले आज की साप्ताहिक डायरी से आज की कुछ मुख्य व महत्वपूर्ण खबरें। भारत में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान कल से शुरू हो गया है और पहले ही दिन 1,94,610 को टीका लगाकर देश ने ब्रिटेन के 1.30 लाख के रिकॉर्ड को तोड़कर विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को बदलने के प्रस्ताव को 15 मई तक के लिए टाल दिया है। इस संबंध में निरंतर आलोचना व लोगों के द्वारा अकाउंट बंद करने के बाद ये कदम उठाया गया है। किसान आंदोलन में शामिल एक किसान संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि कृषि कानूनों पर गतिरोध समाप्त करने हेतु बनाई गई समिति में 3 सदस्यों को बदलकर आपसी सौहार्द के आधार पर काम करने वाले लोग रखे जाएं और उनसे केंद्र की रिट याचिका, जो किसानों के 26 जनवरी के प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च रोकने संबंधी है, को खारिज करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ शिक्षक नेता और 8 बार MLC रहे ओम प्रकाश शर्मा का कल शाम निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। गत दिनों हुए मेरठ शिक्षक निर्वाचन में उन्हें हार मिली थी। पिछले 48 वर्ष से वे MLC थे। कल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली के साथ बैठक के बाद कहा कि भारत व नेपाल के बीच संबंधों में असीम संभावनाएं हैं। हमारे संबंध केवल सरकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रिश्ते दोनों देशों के लोगों द्वारा भी संचालित हैं। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह देश दुनिया में घटने वाली प्रमुख घटनाएं व मुख्य खबरें। सबसे पहले विश्व की खबरें। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार महाभियोग चलाया गया है, जिसके साथ ही वे इतिहास में दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर दूसरी बार महाभियोग चलाया गया है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा यह महाभियोग उनके विरुद्ध शुरू किया गया। अब कुछ देश संबंधित खबर। पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार के किसानों और किसानों के बीच मतभेद को समाप्त करने के लिए 3 कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को निलंबित कर दिया है। अगली खबर अर्थ जगत से है। पिछले हफ्ते केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की है। ये नीति अप्रैल 1, 2021 से लागू होगी और इसका उद्देश्य भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। पिछले ही हफ्ते SpaceX और टेस्ला के CEO एलॉन मस्क अपनी नेटवर्थ $209 अरब के साथ विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। उनसे पहले अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस विश्व के सबसे धनी व्यक्ति थे। आइए अब जानते हैं सप्ताह की ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। 17 जनवरी 1983 को यूनाइटेड किंगडम में ब्रेकफास्ट TV लॉन्च किया गया था। 21 जनवरी 1954 को अपनी व विश्व की पहली एटॉमिक सबमरीन पनडुब्बी नॉटिल्स लॉन्च की थी। 22 जनवरी 1901 को क्वीन विक्टोरिया का निधन हुआ था। 23 जनवरी विश्व में पहली बार इंसुलिन का प्रयोग किया गया था। अब कुछ देश की प्रमुख तिथियां। 18 जनवरी को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, जिनको हम पोलियो दिवस के नाम से भी जानते हैं, मनाया जाता है। 19 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष और भारत की प्रधानमंत्री चुनी गई थी। उन्हें प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु पर इस पद हेतु चुना गया था। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी का जन्म हुआ था। उनके द्वारा दिया गया नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है।